चलेगा बना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सिंपल क्वेश्चन। आपने एक पानी का घड़ा या हाउस बनाया जिसमें पीने का पानी डालना चाहते, उसमें एक नाली का पानी आता है सुराख से, कंटिन्यू आता है, तो कितने दिन में उस हाउस में साफ पानी आप भर सकेंगे बताइए? 100 साल में भी साफ पानी डाली, गंदा पानी फिर रिस जाता है। तो अकलमंद इंसान पहले हाउस को खाली करके गंदे पानी का रास्ता बंद करेगा और फिर साफ पानी डालेगा। बुराई कहां से आ रही है? बदअकीदगी कहां से आ रही है? बिदतें कहां से सीख रहे हैं? फैशन परस्ती कहां से आ रही है? बुराइयां सब कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? कौन सिखाता है? कौन तालीम देता है हमारे बच्चों को कि इतनी छोटी उम्र में नाचना सीखते, गाली देना सीखते, वाहियात बातें सीखते, इश्क मिजाजियां सीख रहे? कहां से होता है? वो ये भी है, वो मौलिम उनका मुरब्बी बन गया उनका वो, है ना। तो अब फर्स्ट वो सुराख बंद करना पड़ेगा आज रात, तो आधी तो हो जाएंगे ना, मतलब बुराई आना बंद होगी। अब जो अंदर पहले से उसको निकालेंगे इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। लेकिन अगर आप टीवी नहीं बंद कर सकते तो ऐसे इस्तेमात होते रहेंगे, प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, 10 साल बाद हम फिर जमा होंगे, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग हंसेंगे, मतलब दिल बहलाने के लिए। मामला वही जहां का वहां रहेगा, फैशन परस्ती वैसी रहेंगी, बुराई वैसी रहेंगी। लड़कियों का भागना नहीं रुक सकता, लड़कों का भगाना नहीं रुक सकता, बुराइयां अपनी जगह चढ़ती रहेंगी, जिना आम होते रहेंगे। आप रोते रह चुके, आप जो चीज पैसा खर्च करके दिखाते हैं, लाखों रुपए उसके लिए खर्च करते हैं, 32 इंच का, 42 इंच का, 62 इंच का, 50 इंच का रूम भर के टीवी रख दिया मैंने लाकर, फिर बोले मेरे बच्चे सुधरते नहीं यार, क्यों बिगड़ते जा रहे, इतना पैसा कहां से सुधरेंगे? वो आप दवा के साथ जहर पिलाते हैं उसको रोज, तो कहां से शफा मिलेंगे? तो अगर इस्लाह करना है अपने घरों की, तो हाफ फार्मूला आधा खिला जीतने का तरीका दे दिया, पहले ही बोल दिया था, मर्दों के लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर हिम्मत कर सकते हैं तो उठ जाइए, कर दीजिए आज। बीवी से बगैर पूछे पूछेंगे तो शायद इजाजत नहीं मिलेंगी और वार्निंग मिल जाएगी कि टीवी बंद होगी तो मैं वापस चल जाती हूँ, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। और मेरी बहनें बहुत आसानी से ये काम कर सकती, मैंने शुरू में बोल दिया था। क्या करना है उनको, मेरी बहनों को सिर्फ ये तय करना है कि आज से टीवी नहीं देखेंगे शोहर आप। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोहर बहुत इताअत गुजार फरमानबरदार होते हैं, फौरन बोलेंगे बीवी एज यू विश, नहीं नहीं मैं देखूंगा, तो बोलना मैं जा रही, तो नहीं नहीं बेगम आप रहिए, टीवी घर से जाएंगे। या फिर उसको इस्लाम कबूल करवा दीजिए, शैतान है वो एक किस्म का, लेकिन वो सुधर भी सकता है। फिर उसको ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो सिर्फ शरई हो, लेकिन मैं जानता हूं उसका ऐसा इस्तेमाल बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, वो बुराइयां आ ही जाती कहीं ना कहीं से। तो फिर 100% अगर उस पर खाली इस्लामिक चैनल आती हूँ, 100% कोई दूसरा कुछ नहीं, अपनी प्राइवेट डिश तो एक अलग बात है, वरना वो बुराई का पिटारा है। नहीं हम वो न्यूज देखते, छोड़ दीजिए ऐसी न्यूज, इसलिए कि थोड़े दिन बाद आप न्यूज में आ जाएंगे उस बुराई की वजह से। नहीं हम तो स्पोर्ट्स देखते, क्या करते हैं ऐसे स्पोर्ट्स को देख करके जिनको देख कर आपके पेट तो कम हो नहीं रहे, इतने मोटे स्पोर्ट्स देख रहे, खुद तो खेलो फिर उठकर, खेलते नहीं हो तो देखते क्यों उस चीज को, क्या फायदा मिलता है उससे, देश से लज्जत हासिल करते उससे, प्रैक्टिकली तो आप जाते नहीं फील्ड में, तो क्या फायदा? कुछ ना कुछ करना है। टीवी अगर इंशाल्लाह बंद हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ आधा खिला इंशाल्लाह आज हमने फतेह कर लिया, कुछ ना कुछ इस्लाह की बात आज हो गई, कुछ ना कुछ स्टार्ट घर की इस्लाह कल से शुरू हो जाएंगी। और आप टीवी बंद होने के बाद एक चीज जरूर महसूस करेंगे, आपके बच्चों के पास खाली टाइम ज्यादा है, वो आपके साथ ज्यादा रहते हैं माशाल्लाह, और वो पढ़ाई में थोड़े थोड़े होशियार हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, इसलिए कि वो टीवी ने उनको पीछे कर रखा था। और बहुत सारे फायदे होते हैं, जब मैं छोटा था मैं भी जो है टीवी का बहुत शौकीन था, मैं इकलौता था अपने वालिद को, तो 1981 में डीडी जब कलर आया था तो हमारे वालिद साहब सऊदी अरब से टीवी लाया, मैंने बहुत इस्तार किया, छोटा था मैं और 3 साल के था, लेकिन टीवी देखना कहीं देख लिया था शायद टीवी, वो लेकर आया, पूरा मोहल्ला आया करता था मुझे याद है, और टीवी देखने बिल्कुल एकदम वजू वजू करके औरतें आती थी घर की और सामने बैठती थी, चलता था 82 के अंदर, तो 86 क्या क्या देख रहे हैं, सारी चीजें होती थी। संडे का दिन बोले तो बहुत वो था कार्टून, जो लोग उस समझो 80s के पीरियड में थे वो उसको दवाई देते, ये हालत थी। उसके बाद हमारी वालदा ने देखा 89 तक 9 साल में ये बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं और पूरा मोहल्ला भी खराब हो रहा है। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, उन्होंने टीवी को एक दिन क्या किया, वो उसको एक बहुत अच्छा शोकेस था, उस पर लॉक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने साइकिल का लॉक मंगाया मेरे से, साइकिल का लॉक आता ना बड़ा, मैं बोला क्यों मंगा रहे मुझे नहीं पता, और डाल दिया और कहा अब ये चालू नहीं होंगी, तो हम कुछ फिर पढ़ पाए और कुछ जो भी कुछ कर पाए बहरहाल वो है, वरना शायद वो टीवी कभी आगे नहीं बढ़ने देती हम। ठीक है, तो बहरहाल नासूर वो है, निकालिए इंशाल्लाह, बाकी कुछ पॉइंट्स है ये, बहरहाल आप उसको मैं समझता हूँ काफी सारी बातें और आ गई, आप उसको समझेंगे। तो बहरहाल ये कुछ एक टेक्निक थी, कुछ तरकीब थी, कुछ बातें थी जो मैंने घरों की इस्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल